हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं तो सुबह सुबह सफाई में लग गई हूँ। बस सुबह सुबह हम हाउसवाइफ का यही काम रहता है, और बिना साफ़ सफाई के चलता भी नहीं है कि हाँ चलो बिना साफ़ सफाई के रह जाओ। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा तो मेरा हो चुका था, लेकिन मैं किचन का पोछा और लगा देती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, मॉर्निंग से इवनिंग तक का आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग क्या क्या बताने वाली हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि दिन भर में कुछ एक्स्ट्रा काम भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो हमको नहीं करना रहता है, फिर भी हम करते हैं। तो बस बने रहिएगा। आप लोग जो भी न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप सबसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक। अभी बज रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। हाँ अभी बज रहा है, 1:30 बज रहा था। तो आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और बाहर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शोर, और बच्चे खेल रहे हैं तो उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे मेरा पूरा मतलब लंच में सब हो चुका है, बच्चों का नाश्ता लंच खाना पीना सब हो चुका है। तो बस अब मैं अपना जो कल ग्रॉसरी का लेके आई थी सामान, उसी को मुझे जमाना है, देखना है क्या क्या आया है उसके अंदर, और मुझे अपने केक को डेकोरेट कर। और हेयर स्टाइल आपने देखी है, मैंने आज हेयर स्टाइल कुछ अलग करी हुई है, हैंगी टक हो रहा है। तो यहाँ पर ये केक मैंने बनाया था वेनिला कस्टर्ड केक, तो इसी को मुझे आज डेकोरेट करना है। और इसका जो वीडियो है वो हाउ टू मेक बाय गायत्री पे मिलेगा। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना हो जाता है मेरा, इसीलिए फिर मुझे दिन में ना सोना जरूरी रहता है। फिर भी देखिए मेरे कितने डार्क सर्कल, बहुत ज़्यादा आँखों के, तो अभी कैमरे में इतना नहीं दिख पाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो रहे हैं। तो चलिए मैं देख लेती हूँ क्या क्या लिखा है। और तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो ग्रोसरी का जो सामान मैं लेके आती हूँ, आप लोगों को पता ही है मैं कहाँ से लेके आती हूँ, हमारा जो रतलाम में सर्वानंद मार्केट में, वहीं से लेके आती हूँ सारा सामान। वहाँ पर सभी कुछ मिल जाता है मुझे, तो और महीने में 2-3 चक्कर तो लग ही जाते हैं, तो बस ले आते हैं। थोड़ा बहुत जो भूल भी जाती हूँ तो भी लेके आ जाते हैं बाद में। तो यहाँ पर मैं गर्म मसाला भी लेके आई थी, काफ़ी समय हो गया गर्म मसाला ख़त्म हुए, तो मैं वो भी लेके आई हूँ। और टीवी चल रहा है तो मैं टीवी देखने रुक गई थी। और यहाँ पर मैंने जो गुड़ और मूँगफली की जो मैंने छोटे मिनी लड्डू बनाए थे ना, वही खा रही हूँ मैं, क्योंकि खाना हो चुका है तो खाना खाने के बाद कुछ मीठा तो लगता ही है। तो यहाँ पर 2 किलो दाल लाई हूँ, क्योंकि बेसन पीसना है, और आपको पता है ये चक्की घर में है मेरे यहाँ पर, तो मैं उसी में पीस लेती हूँ। और यहाँ पर तेल बहुत महंगा हो गया है, ये टोस्ट लेके आई हूँ बच्चों के लिए, और मुझे मधुर टोस्ट पसंद है, तो मैं मधुर लेके आई हूँ, और मैं बता रही हूँ कि मैं खा रही हूँ वो। और यहाँ सॉसेस लेके आई हूँ, क्योंकि सॉसेस ख़त्म हो गया था, सोया सॉस तो है लेकिन चिली सॉस ज़्यादा यूज़ में होता है तो वो ख़त्म हो चुका था, और वेनीला एसेंस ख़त्म हो गया था, तो वो भी लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मुझे सब कुछ सामान मिल जाता है जो शॉप से मैं लेके आती हूँ ना, सरवन मार्केट से, वहाँ सब कुछ मिल जाता है। और ये है ग्लूकोज सिरप, जिससे सोन पापड़ी बनती है, मतलब सोन पापड़ी में इसको यूज़ में लिया जाता है, और भी बहुत सारे रेसिपीज़ में यूज़ में आता है। तो यहाँ पर मैं बिस्किट जमा देती हूँ, और बच्चे खुले पैकेट छोड़ देते हैं और फ्रेश फ्रेश पैकेट निकाल लेते हैं। और यहाँ पर काव्या को है ना सौंफ और मिश्री खाना है, तो सौंफ और मिश्री को मैं मिक्स कर रही हूँ। मिश्री लेके आई थी इससे पहले, वो है ना सौंफ और शुगर खा रही थी, तो मैंने कहा चलो मिश्री ले चलती हूँ, और अच्छी रहती है सौंफ और मिश्री, अच्छी रहती है, ठंडक करती है। लेकिन अभी सीजन नहीं है खाने का, लेकिन उसको इच्छा होती है खाने की, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ उसके लिए तैयार। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ बच्चों के लिए, और मेरे लिए ग्रीन टी बन रही है, तो बस मेरी ग्रीन टी मैंने चढ़ा दी, बच्चों की चाय चढ़ा दी। और काव्या ना केक की भी बहुत जिद्दी कर रही है केक को, क्योंकि मुझे डेकोरेट करना है, तो वो जो उसको हाथ में दी थी ना वो खा ली उसने, तो मैंने सोचा कि चलो पूरी मिक्स करके अच्छे से रख दी है तो इसको दे देती हूँ, तो छोटे से बाउल में मैंने दे दी है उसको, वो खाती रहेगी धीरे धीरे। और यहाँ पर मेथी दाना रखा था बहुत दिनों से, तो मेथी दाना भिगो रही हूँ, और जो देसी चने होते हैं ना उनको भिगोना है, तो देसी चनों को सुबह फ्राई कर लूँगी नाश्ते में। और यहाँ पर अदरक डाल रही हूँ मैं चाय में, बच्चों की चाय में, और मेरी ग्रीन टी बन रही है। यहाँ पर मसाला, यहाँ पर मैं थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला भी लेके आई थी, तो बस मुझे उसको पीसना है। और गरम मसाला काफ़ी समय से ख़त्म हो चुका था, और फिर रेडीमेड इतना अच्छा नहीं लगता, अगर हम घर का गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं तो फिर बाहर का उतना परफेक्ट नहीं लगता है ना, घर का ही गरम मसाला पीसूँगी। तो उसे भी लेके आई, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा काली मिर्ची और लौंग एक्स्ट्रा लेके आई है, जिसमें ये 50-50 ग्राम है, 50-50 ग्राम अलग है। और इसके अलावा 100 ग्राम यहाँ पर मैं लेके आएंगे बड़ी इलायची, तो ये मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ इसमें, ताकि मसाले में अच्छा फ्लेवर आए, और जो बड़ी इलायची रहती है ना उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है गरम मसाले में। अगर आप कुछ नहीं डाल रहे हो सब्जी में, और सिर्फ एक इलायची, बड़ी इलायची आप फोड़ के डाल दोगे, दोज के डाल दोगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा रखती हूँ अपने गर्म मसाले में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गरम मसाला है, तो इसमें मैंने जैसे फूल और पत्ते तो लिए हैं, फूल की क्वांटिटी भी कम ली है, थोड़े बहुत ही फूल हैं, दालचीनी है इसमें, और ये
जावित्री है और शाही जीरा है जो हमारा नॉर्मल सादा जीरा होता है वो है, काली मिर्ची है, लौंग है, मगज के बीज है, खसखस से थोड़े से दाने हैं और फूल है, ऐसे करके इसमें पूरा गरम मसाला है। और इसके साथ ही इसमें मैं मिक्स करूँगी यहाँ पर काली मिर्ची और लौंग। तो इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी, अभी धूप नहीं है, अगर धूप होती ना तो मैं इसको सेकती नहीं, धूप होती तो फिर मैं इसको धूप में रख देती थोड़ी सी देर के लिए तो इसका जो नमी है ना वो उड़ जाती, लेकिन अभी धूप नहीं है तो इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है, तो ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो बहुत ही बारीक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं गरम मसाले को है ना कढ़ाई में डाल रही हूँ और हल्का सा रोस्ट करूँ, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, ज़्यादा नहीं सेकना है। यहाँ पर चाय बन गई है तो बच्चों की और मेरी चाय ले लेती हूँ, मतलब मेरी ग्रीन टी ले लेती हूँ और बच्चों को चाय दे देती हूँ। बच्चों को नाश्ता करना है तो यहाँ पर बिस्किट दूंगी मैं नाश्ते में, टोस्ट या तो सुबह खा लेते हैं या फिर शाम को खा लेते हैं, एक टाइम कभी भी टोस्ट खा लेते हैं। और यहाँ पर सब्जी का भी टेंशन हो रहा मुझे कि सब्जी क्या बनाऊँ क्योंकि 4:30 बज रहे हैं, दिन में सोना नहीं हुआ है मेरा बिल्कुल भी। मेथी ली तो ये मेथी है जिसको मैंने रैप करके रख रखा पेपर में, तो फिर मेथी कैंसिल करके फिर मैंने फली निकाली, सजनी की फली होती ना वो बनाऊंगी। और यहाँ पर गरम मसाला देखिए इस तरह से मैं सेक रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं सेकना है इसको, 2-3 मिनट ही सेकना है, मैंने हाई फ्लेम पे इसको सेक लिया है ताकि मतलब इसकी जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए, और उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ फली साफ़ करने, तो काव्या फली साफ़ करवाने के लिए बैठी है और मैं उससे बोल रही रहने तो मैं कर लूँगी, तो उसकी जो सिस्टर है उसको नाइफ़ ला के दिया है ना, तो वो बोल रही थी पहले उसने स्पून ला के दिया था, तो स्पून से कि ये स्पून ही नाइफ़ इससे कर लो, तो मुझे हंसी आ रही थी और वो भी हंस रही थी, तो फिर उसने इतना बड़ा स्पून मतलब नाइफ़ ला के दिया उसको और उसे छिल भी नहीं रही है, तो बस लगी रहेगी थोड़ा, बच्चों को लगता है ना और लड़कियों को तो ज़्यादा ही लगता है कि हाँ इस तरह के काम करें, तो वो छील रही है, उसने एक फली के 2 हिस्से कर दिए हैं, उसकी छिलका नहीं उतरा है लेकिन हाँ 2 हिस्से ज़रूर कर दिए उसने। तो यहाँ पर मैं किस तरह से बनाती हूँ सजनी की फली, इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, अगर आप पूरा अच्छे से कहोगे कि डिटेल में बताइए तो मैं वो भी बता दूँगी, लेकिन अगर आप हाउ टू मेक पे जाके देखोगे, हाउ टू मेक बाय गायत्री, तो वहाँ पर आपको एक एक मतलब एक एक पॉइंट वहाँ पर आपको मिलेगा इस रेसिपी का। तो यहाँ पर देखिए मैं गरम मसाला ठंडा हो गया था तो मैं पीसने आ गई हूँ और वॉइस ओवर करना पड़ता है मुझे, तो यहाँ पर अनुष्का मुझसे बात कर रही है और हम लोग दोनों बात करते करते हंस रहे हैं, तो बस कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि फिर बीच बीच में हंसी भी आने लगती है और वॉइस ओवर करना ही पड़ता है मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है, मेरी जॉइंट फैमिली है, मतलब जॉइंट फैमिली समझ लीजिए, सभी लोग साथ में रहते हैं, बच्चों का शोर रहता है बाहर, रोड पे भी बच्चे आजकल खेलने लगे हैं, बाहर निकलने लगे। तो देखिए इस तरह से मैंने गरम मसाले को छान रही हूँ ताकि जो भी रेशे हैं ना वो निकल जाए, लेकिन मैं इसको अच्छे से छान लूँगी, पूरा गरम मसाला यूज़ में लूँगी, मतलब इसका बिल्कुल भी एक भी कण नहीं फेंकूँगी पूरा पीस लूँगी बारीक। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसको पीस रही हूँ, तो आप भी इस तरह से पीसिएगा, और जो हम सोचते हैं ना कि ऊपर का छिलका और वो है उसको फेंक दो, तो उसमें भी बहुत कस रहता है। तो यहाँ पर ये पूरा गरम मसाला बिल्कुल बारीक पीसा है मैंने, इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सबसे लास्ट करेगा ना उसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, तो छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको छानना मुझे इसलिए पड़ रहा बार बार कि ताकि जो बीच बीच में कभी कभी मोटे रह जाते हैं, तो छानने से जो लास्ट का रहेगा ना उसको हम एक बार और पीस लेंगे। ये देखिए कितना बारीक पीसा है, अब इसको मैं थैली में भर के रखूँगी लेकिन अभी थोड़ा गर्म है तो इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं, क्योंकि मिक्सर में पीसा तो मिक्सर में पीसने पर भी गर्माहट आ जाती है उसमें। तो यहाँ पर ये मसाला पीस चुका है और इसी पॉट में मैं है ना अदरक लहसुन और प्याज को पीस रही हूँ ताकि गरम मसाला जहाँ भी लगाऊँ तो वो पूरा आ जाए, और वैसे भी गरम मसाला डालना ही है मुझे सब्ज़ी में, तो सजने की फली बना रही हूँ। यहाँ पर रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर डालूँगी मैं, और टर्मरिक पाउडर ख़त्म हो चुका है डिब्बे में तो फिर उसको मैं निकालूँगी बाद में डालूँगी, और यहाँ पर इनको पीस लेती हूँ बिल्कुल बारीक। तो जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय अभी बज रहा है रात का 12:30 बज रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, और इतने डॉगी चिल्ला रहे ना जिसकी वजह से मुझे इतना डिस्टर्ब हो रहा है कि मुझे बार बार वॉइस को कट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया था मसाले में, तो रात को मैं वॉइस देती हूँ ताकि शांति रहे, लेकिन आज कुत्तों जो डॉगी लोग हैं ना उनको भी शांति नहीं है, वो भी चिल्लाए जा रहे हैं, तो बस मुझे सुबह वीडियो अपलोड करना रहता है इसलिए मुझे नाइट में वॉइस ओवर करके एडिट करके पूरा वीडियो कंप्लीट करना रहता है। और यहाँ पर मिक्सर पॉट साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि मसाला पीस चुका है, और कभी कभी मैं इस तरह से मसाला पीस लेती हूँ, बहुत कम लोग तैयार करते हैं इस तरह से मसाला, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है अदरक लहसुन प्याज के साथ में हल्दी मिर्ची धनिया डाल के मैंने पूरा पीस लिया है और मुझे इस तरह से भी जम जाता, लेकिन इस समय मतलब इस तरह से पीसने में ये रहता है कि मसाला अच्छे से भुनना चाहिए, और सही पहचान यही है कि उसमें जाली आ जाना चाहिए। देखिए मैंने डिब्बे में भर दिया है मसाला, ये डेली यूज़ में काम में आएगा, बचा हुआ थैली में भर दिया है मैंने, इसको मैं पैक करके रख दूँगी। और यहाँ पर काव्या डांस करने लग रही थी,
तो यहाँ पर मसाला भुनने लग गई हूँ मैं, तेल डाल दिया अच्छा सा, तो तेल ज़्यादा लगता है इसमें। और वहाँ पर अंडे बॉईल हो रहे हैं क्योंकि ठंडा मौसम है, तो बच्चों को अंडे बॉईल करके दे देती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं हल्दी निकाल, मैंने आपको बोला था हल्दी का डिब्बा खाली हो गया था, तो हल्दी निकाला है और यहाँ पर मसाला डाल दिया है मैंने। तो इस तरह से अगर आप हल्दी मिर्ची और धनिया अगर प्याज लहसुन के साथ ही पीस रहे हो, तो आपको मसाला अच्छे से भूनने की पहचान यही है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा और जाली आ जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भूनने देती हूँ, और ये अंडे बॉईल हो चुके थे तो मैं बच्चों को दे देती हूँ काट के। तो काव्या बोल रही है कि मम्मा मुझे नहीं खाना बॉयल अंडा और मुझे ऑमलेट खाना है, लेकिन ये ज़्यादा अभी सही है। तो ये इसमें काली मिर्ची, नमक और काला नमक डाल के बच्चों को दे देती हूँ। मैंने कहा नहीं, आपको यही खाना पड़ेगा, तो ये दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। और काली मिर्ची तो बहुत ही अच्छी रहती है वैसे भी सेहत के लिए। और यहाँ पर ये मसाला को मैं ढक के और भुनने देती हूँ। तो ये देखिए मसाले में देखिए जाली पड़ गई ना, बस यही पहचान है मसाले की, तेल छोड़ देता है, जाली पड़ जाती है, कलर चेंज हो जाता है। ये तीन पहचान है तब आपका मसाला बिल्कुल परफेक्ट पक गया है, समझ लीजिए खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है, ज़्यादा आलू पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक आलू चॉप करके धो के सीजनिंग फली को रख लिया है और मसाला भुन गया है, तो इसको डाल देती हूँ। तो अभी भी इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, इसको मीडियम फ्लेम पे मैं और इसी तरह से पकाऊंगी बिना पानी डाले, लगातार चेक करते रहेंगे ताकि चेटे नहीं। यहाँ पर मैं स्टेन साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बना लेती हूँ। केक को मैंने डेकोरेट कर ही लिया, एक दिन में सोना नहीं हुआ था तो मैंने केक डेकोरेट कर लिया था, और उसको डेकोरेट करके थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। और काव्या खाने की जिद करी, मैंने कहा थोड़ा सा उसको सेट हो जाने दो आइसिंग को, फिर खा लेना। तो यहाँ पर ये बस प्लेटफॉर्म मेरा साफ़ हो चुका है। तो ये क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरती है, जो प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग है बहुत ज़्यादा ज़रूरती है, छोटा सा मेरा प्लेटफॉर्म है इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी रहता है। और यहाँ पर ये सब्ज़ी को मैं ढक देती हूँ ताकि पकती रहेगी ये धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। और अगर आप चाहो तो इसको पानी वाली बना सकते हो, लेकिन ऐसी मसाले वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी बन गई है, और चलिए देखते हैं काव्या क्या कर रही है। तो यहाँ पर काव्या को मैंने केक दिया तो वो केक खा रही है, उसको नहीं पता है। और पूरा केक में से देखिए उसने कितना केक खाया है, सिर्फ उसके सिस्टर ने थोड़ा सा ही लिया है, बाकी पूरा खुद लेके बैठी हुई है। और जो आइसिंग करी थी ना, उसकी एक्स्ट्रा आइसिंग बच गई थी ना, वो भी खुद ही खा रही थी। तो आइसिंग मैंने किस तरह से बनाई है और किस तरह से केक बनाया है ये पूरा आप मेरे हाउ टू मेक पे देख सकते हो जाकर। बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो गया है शायद। कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को। और सुबह मॉर्निंग में वीडियो आएगा तो सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से।